दो दिनों तक बारिश, गीला मैदान और लटके हुए फैंस के चेहरों को देखकर एक बार फिर से मुझे लगा कि क्यों न कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम का नाम बदलकर एक्वा पार्क रख दिया जाए। मगर जैसे ही ये ख्याल आया, उसी वक्त कानपुर टेस्ट के चौथे दिन मैच टाइम से शुरू हो गया। नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। भारत बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट के चौथे दिन खेल की बात से शुरुआत करते हैं, जहां पहले घंटे में ही बुमराह ने भारत को मुशफिकुर को बोल्ड करके चौथी कामयाबी दिलाई और मायूस भारतीय फैंस के चेहरों पर मुस्कुराहट लौटाई। इसके बाद रोहित ने हाई जंप लगाकर एक रैप्चिक कैच लपका और फिर अपने कप्तान से इंस्पिरेशन लेकर सिराज ने भी एक जोरदार कैच पकड़ा। कानपुर टेस्ट के चौथे दिन देखते देखते मेहमान टीम 233 पर ऑल आउट हो गई और उसके बाद टीम इंडिया ने ऐसी तोड़फोड़ मचाई कि बांग्लादेश को अपनी नानी याद आ गई। और क्या क्या हुआ इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए पहुंची हमारे नोपो चैनल पर, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे टेस्ट मैच को T20 बनाकर खेल रही टीम इंडिया। और यहां इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे धीरे धीरे टीम इंडिया अब गंभीर के नक्शे कदम पर चलने लगी है। कानपुर टेस्ट में जहां भारत ने टेस्ट मैच को T20 गेम बना डाला, वहीं इस अप्रोच के पीछे हर कोई गंभीर के फैसलों की बात कर रहा है, खासकर उस फैसले की जहां जायसवाल के आउट होने के बाद विराट की जगह पंत को बैटिंग करने के लिए उतार दिया गया। सोशल मीडिया पर फैंस ने जरा भी देर नहीं लगाई इस बात को पकड़ने में कि गंभीर के युग में खेल खिलाड़ी की कद से नहीं बल्कि मैच सिचुएशन के हिसाब से खेला जाएगा। ये भी ठीक है। गंभीर ने हर संभव कोशिश की है कि भारतीय क्रिकेट लगातार प्रोग्रेस करे और इसी तर्ज पर उन्होंने भारतीय T20 टीम में बांग्लादेश के पैर उखाड़ने के लिए एक और गजब के खिलाड़ी को चुना है। कौन है वो खिलाड़ी, जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हैं लाजवाब पॉडकास्ट सुनने के इच्छुक और शौकीन तो जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे TRP चैनल को, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। द रौनक पॉडकास्ट के लेटेस्ट एपिसोड में हमने आपको शेर सिंह राणा से मिलवाया। अगर आपने इनकी कहानी अब तक नहीं सुनी तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, इतनी खतरनाक कहानी आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। जाकर देखिए, TRP चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। शेर सिंह राणा के पॉडकास्ट को देखने के बाद उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मैच की बात करते हैं। भारतीय टीम में एंट्री मारने वाले एक और तेज गेंदबाज की बात करेंगे, नाम है मयंक यादव। पिछले साल IPL में अपनी धारदार रफ्तार से सबको हैरान करने वाले मयंक खुद अपनी रफ्तार से अनजान थे। जी हां, IPL 2024 में लखनऊ के लिए अपनी तूफानी रफ्तार से सनसनी फैलाने वाले मयंक को जब पता चला कि वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं तो वो खुद चौंक गए। मयंक को अपनी स्पीड पर खुद ही यकीन नहीं हो रहा था, पर जो सच है वो सच है और उनकी रफ्तार भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं को भी भा गई। नतीजा, मयंक को टीम इंडिया की T20 टीम में शामिल कर लिया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलने वाले मयंक रहने वाले बिहार के हैं और IPL में वो लखनऊ के लिए खेलते हैं। IPL 2024 में चोट के चलते मयंक पूरा सीजन भले ही ना खेल पाए थे, मगर घायल होने से पहले उन्होंने सिर्फ 4 मैचों में अपना जलवा दिखा दिया था। मयंक ने IPL के अपने डेब्यू मैच में 3 विकेट लेकर धमाल मचाया और क्रिकेट की दुनिया में तूफानी एंट्री ली। मयंक ने IPL 2024 सीजन की सबसे तेज गेंद यानी 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था, वो भी अपने डेब्यू मैच में। अपने पहले 2 मैचों में वो मैन ऑफ द मैच भी चुने गए, रातों रात फेवरेट भी बन गए हर लोगों के। हर कोई जानने के लिए इच्छुक हो गया कि आखिर ये बंदा आया कहां से। तो चलिए वीडियो में आपको बताते हैं मयंक की कहानी कि कैसे वो बने खिलाड़ियों के खिलाड़ी। मयंक को क्रिकेटर बनाने का सपना उनके पिता प्रभु यादव ने देखा। वो चाहते थे कि उनका बेटा बैटर बने, बल्लेबाज बने, मगर मयंक की दोस्ती क्रिकेट बॉल से ज्यादा गहरी हो गई। खैर, पिता ने सोचा क्रिकेट में मयंक का मन लग रहा है तो उन्हें क्यों ना क्रिकेट की कोचिंग दिलाई जाए। बस यहीं से मयंक की कहानी में आया ट्विस्ट। अपनी इंप्रेसिव बॉलिंग के दम पर 16 साल की उम्र में मयंक का सिलेक्शन उस सोनिक क्रिकेट क्लब में हो गया, जहां आशीष नेहरा, ऋषभ पंत, शिखर धवन जैसे मेगा स्टार्स ने अपनी क्रिकेट जर्नी की शुरुआत की थी। 16 साल की उम्र में 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को लगातार टच करते हुए मयंक को कोच तारक सिन्हा ने देखा तो उन्होंने मयंक को बड़े एज ग्रुप में ट्रांसफर करा दिया और यहां से पूरी दिल्ली जान गई कि क्रिकेट फील्ड पर एक नया रफ्तार का सौदागर पैदा हुआ है। साल 2018 से 22 के बीच मयंक ने दिल्ली की फर्स्ट क्लास टीम में भी जगह बनाई और फिर 2023 में लखनऊ के तब के कोच गौतम ने जब उनके बारे में जाना तो तुरंत ही उन्हें लखनऊ की टीम में 20 लाख रुपए देकर शामिल किया। साल 2023 में मयंक चोट की वजह से डेब्यू नहीं कर पाए, मगर 24 में मयंक ने फिट होकर अपनी रफ्तार से आग लगा दी। वैसे भारतीय टीम को करीब से जानने वाले कई जानकारों का मानना था कि मयंक का टीम इंडिया में सिलेक्शन होना तय था, क्योंकि टीम इंडिया के कोच गौतम इस 22 साल के युवा खिलाड़ी से पहले ही इंप्रेस हो चुके थे। बस अब देर है तो यह देखने की कि भैया मयंक बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस में से कितने में खेलते हैं। फिलहाल आपको बता दें, बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय स्क्वाड में 3 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज मौजूद हैं, जिनमें से एक तो मयंक यादव है, बाकी 2 हर्षदीप सिंह और हर्षित राणा है। इनके अलावा टीम में हार्दिक पंड्या भी मौजूद रहेंगे। तो क्या लगता है, गौतम किसे देंगे ज्यादा मौका? कमेंट करके जरूर बताना। करते हैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त और आपसे मिलते हैं कल एक और कड़क वीडियो के साथ। और वीडियो नहीं होगा, हो सकता है टीम इंडिया की जीत की खुशखबरी के साथ, उस वीडियो में सेलिब्रेट भी हम जरूर करेंगे। क्या लगता है, टीम इंडिया जीतेगी यहां से? बांग्लादेश को वो हरा पाएगी? आखिरी दिन क्या होगा कानपुर टेस्ट में? अगर आप वो भी गेस करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर करिएगा। और हां, जाने से पहले हमारे TRP चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लिंक दिया हमने डिस्क्रिप्शन में। द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर लेटेस्ट पॉडकास्ट है शेर सिंह राणा का। वो कहानी इतनी खतरनाक है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। जाकर उस कहानी जरूर देखिए, उस पॉडकास्ट को जरूर देखिए। क्रिको पर मिलते हैं कल एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।